हालेलुया, प्रेज गॉड, खुदा यीशु मसीह की सलामती ग्लोरियस एच टेलीविजन देखने वालों के साथ हो। खुदा यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती चाहते हैं। और हजरत दाऊद का जबूर सुनिए, जबूर 147। ऐ खुदावन, तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया, तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरे ख्याल को दूर ही से समझ लेता है, तू मेरे रास्ता की और मेरी ख्वाबगाह की छानबीन करता है और मेरी सब रवशों से वाकिफ है। देख, मेरी जुबान पर कोई ऐसी बात नहीं जिसे तू ऐ खुदावन पूरे तौर पर न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और तेरा हाथ मुझ पर है। ये अरफान मेरे लिए नहायत अजीब है, ये बुलंद है, मैं इस तक पहुंच नहीं सकता। मैं तेरी रूह से बचकर कहां जाऊं या तेरी हजूरी से किधर भागूं? अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां है, अगर मैं पाताल में बिस्तर बिछाऊं तो देख तू वहां भी है, अगर मैं सुबह के पर लगाकर समुंदर की इंतहा में जा बसूं तो वहां भी तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करेगा और तेरा दाहिना हाथ मुझे संभाल लेगा। अगर मैं कहूं यकीनन तारीकी मुझे छुपा लेगी और मेरी चारों तरफ का उजाला रात बन जाएगा, तो अंधेरा भी तुझसे छुपा नहीं सकता, बल्कि रात भी दिन की मानंद रोशन है, अंधेरा और उजाला दोनों यकसा हैं, क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया, मेरी माँ के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी। मैं तेरा शुक्र करूँगा क्योंकि मैं अजीबो गरीब तौर से बना हूँ, तेरे काम हैरत अंगेज हैं, मेरा दिल इसे खूब जानता है। जब मैं पशीदगी में बन रहा था और जमीन के अफसल में अजीब तौर पर मरतब हो रहा था, तो मेरा कालब तुझसे छुपा न था, तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा और जो याम मेरे लिए मकर्र थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे, जब एक भी वजूद में ना आया था। ऐ खुदा, तेरे ख्याल मेरे लिए कैसे बेश बहा है, उनका मजमुआ कैसा बड़ा है, अगर मैं उनको गिनूं तो शुमार में रेत से भी ज्यादा हैं। जाग उठते ही तुझे अपने साथ पाता हूँ। ऐ खुदा, काश तू शरीर को कत्ल करे, इसलिए ऐ खून खारो मेरे पास से दूर हो जाओ, क्योंकि वो शरारत से तेरे खिलाफ बातें करते हैं और तेरे दुश्मन तेरा नाम बेफायदा लेते हैं। ऐ खुदावन, क्या मैं तुझसे अदावत रखने वालों से अदावत नहीं रखता और क्या मैं तेरे मुखालफों से बेजार नहीं हूँ? मुझे उनसे पूरी अदावत है, मैं उनको अपने दुश्मन समझता हूँ। ऐ खुदा, तू मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान, मुझे आजमा और मेरे ख्यालों को जान ले और देख मुझ में कोई बुरी रवश तो नहीं और मुझको अबदी राह में ले चल। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर मसीह खुदावंद की बरकत हो। अजीजों, देखा आपने कि खुदा का बंदा दाऊद बड़ी अच्छी तरीके से हजार कर रहा है और इकरार करता है कि खुदा तू मुझे जांचता है, तू मुझे पहचानता है और तू मुझे मेरी सरिश्त से वाकिफ है, मैं तुझसे छुपकर कहीं नहीं जा सकता। हर इंसान खुदा की निगाह में है और खुदा उसे जानता है। जैसे दाऊद फरमाता है कि मैं अगर पहाड़ पर चढ़ जाऊं, पाताल में उतर जाऊं, सुबह के पार लगाकर समुद्र में चला जाऊं, तो वहां पर भी तू मौजूद है। खुदा चारों तरफ मौजूद है, कोई इंसान अपने आप को छुपा नहीं सकता और ना अंधेरे में अपने आप को छुपा सकता है,
क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के सामने रात और दिन बराबर हैं, बल्कि रात भी दिन की मानंद रोशन है और दोनों तरफ उजाला है। कोई भी अपने आप को उसकी हजूरी से बचा नहीं सकता। इसलिए ज़रूर है कि हम सब जो खुदा की निगाह में हैं, उसका डर और खौफ रखते हुए, थरथराते कांपते हुए खुशी से इबादत करें और डरते हुए उसकी हजूरी में अपने आप को पेश करें। खुदावंद आपके साथ हो, मेरी दुआ है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आपके बिजनेस को, आपकी जॉब को मल्टीप्लाई करे और आपकी ज़िंदगी की सारी एक ज़रूरत अलाही इंतज़ाम से पूरा करे। खुदावंद हर तरह की बीमारी, तपाली, वबा से आप सबको अलग रखे और हर किस्म का कैंसर, पत्थरियाँ, रसौरियाँ, हर्निया, गिल्टियाँ, हेपेटाइटिस सी बी के सारे साथ, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, गेंटिया, अठरा, टीवी, मिर्गी, अबली शरीर के सारे नपाक, रद्द मनसूबे, जादूगरों के इलम, उनके मक्कल, उनके अड्डे, खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से तबाह हो जाएं, बर्बाद हों और जिस जाल को कोई बिछाना चाहता है उसमें खुद फंसे। मोरों की दर्द, मोरों का गैब यीशु मसीह नासरी के नाम से चला जाए। हर किस्म की स्वेलिंग, हर किस्म की ब्लड प्रेशर की बीमारी, हर किस्म की शुगर की बीमारी, हर किस्म के फोड़े, फिंसी, ख़ारिश, एलर्जी, इन्फेक्शन, खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएं, बर्बाद हो जाएं और आप सभी खुदा में मुकम्मल तौर पर शिफा पाएं। तमाम वो जिंदगियां जो बेरोज़गार हैं उनके लिए रोज़गार मुहैया हो जाए, उनके लिए रोज़गार की दुआ करता हूँ। बेदीनी और कठिन दौर में खुदा आप सभी को संभाले और हमेशा अपना चेहरा आप सब पर जलवागर फरमाए और आप खुदा में हमेशा मगन हों। आपकी औलाद वफादार हो, आपकी औलाद हमेशा कामयाबियां और कामरानियां पाएं, मदब्बर बने, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए और बहुत से खुदा यीशु मसीह के नाम से तरक्कियां, सरफराजियां, सरबुलंदियां आप सभी को मिलने वाली हों। खुदावंद आप सबके साथ हो। इस ज़बूर को ज़रूर सुनिए, पढ़िए और गौर कीजिए ताकि खुदावंद इस ज़बूर के वसीला से आपको बरकत दे, आपके घराना ख़ानदान को बरकत दे। इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो आप सभी तक मिलती रहें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।